हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में सेवन चैप्टर इंटीग्रल्स को आज फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 हमारी चल रही थी और इसको मैंने आपको लास्ट टाइम इसके दो वीडियो लेक्चर्स बन चुके हैं, एक 1 to 10 तक था और एक 11 to 13 तक क्वेश्चन हमने करे। 11 to 13 के जो क्वेश्चन हमने किए थे वो एक डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो करते थे। प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक जब भी नीचे बनेगा डिनोमिनेटर में तो उसे सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना, उसके बाद इजीली फॉर्म आ जाती है और सॉल्व किया जा सकता है। उन्हीं पर बेस्ड ये वाले क्वेश्चन भी है। आगे जाकर थोड़े क्वेश्चन का थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न बदलेगा, मैं समझाऊंगा किस तरह से बदलेगा। फिलहाल उसी आगे प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर जो हमने 11 से 13 तक किए थे उन्हीं की तरह। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। इट इज 1/8 + 3x - x² इन स्क्वायर रूट एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 8 + 3x - x² ये ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, जरा समझना, कुछ भी डिफरेंट कुछ भी नहीं है इसमें, सिमिलर क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जैसा हमने किया था वैसा ही होगा, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। नीचे हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है इसलिए तुरंत समझ जाना एग्जाम में कि ये 7.4 का क्वेश्चन है और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1dx। 1 लगाने की जरूरत तो नहीं है, हटा देता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हमेशा आगे ले लेता हूं, ठीक है ना। एक परफेक्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, जो फॉर्म जो लिखा है एक्जैक्टली मैंने वही लिखा है, बस ओरिएंटेशन बदले हैं, ठीक है ना, ताकि एक्स स्क्वायर आया सबसे पहले फिर बाद में ऐसे हो। अगर मैंने आपको जो बताया था उसको आप फॉलो करें तो मैंने बताया था कि जो नीचे क्वाड्रेटिक बना है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन कोफिशियंट -1 एक्स स्क्वायर का। तो आप समझ रहे हैं इसे 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए आप ऐसा कर लें कि dx लिखा है और स्क्वायर रूट लिखें पहले ऐसे करके और उसके बाद माइनस को कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा, ओनली एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा -3x, ये क्या हो जाएगा -8। ऐसा समझ ले, -1 से सबको डिवाइड कर दिया। क्लियरली समझ में आ रही ना बात, या ऐसे समझ लिया आपने कि माइनस बाहर लेते ही सारे साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव में, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में बदल जाते हैं, सभी समझ सकते हैं। अदरवाइज मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, वही रिजल्ट वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब सही कर रहे हैं, इतना काम हो गया। एक काम हमारा हो गया, मतलब हमने कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट, एक जो नेक्स्ट टास्क इसमें हमें करना है, एक काम तो हो गया, अभी हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स जो भी है, -3 दिख रहा होगा आपको, लेकिन -3 पर बहुत ज्यादा कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, +3 बोल दें, साइन को कोई जरूरत नहीं है। एक्स का कोफिशियंट 3 अगर मैं कहता हूं तो उसका हाफ करें, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था 3 का हाफ 3/2 होता है, उसका स्क्वायर एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें। क्या मैं कह रहा हूं, देखिए dx मैं ऐसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट मैं ऐसे लूंगा, अरे इंटीग्रेशन का साइन में लगाऊंगा, ठीक है। माइनस था, माइनस मैंने लगा दिया ऐसे करके, एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज एक्स स्क्वायर लिखा, -3x को मैंने -3x लिख दिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो x का कोफिशियंट है, जो कि इस बार 3 है, -3 नहीं कहें आप, 3 कर लें, उस देखिए -3 कहेंगे भी तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि हमें स्क्वायर को ऐड करना है, माइनस का स्क्वायर होकर भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं अब -3 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका हाफ कर लें तो -3 का हाफ कितना आता है, -3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस कोई एग्जिस्टेंस है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनस, खाली बोलने पर अजीब से लग रहा है, तो प्लस कर दें एक बार इसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर। और अगर आप -3/2 का भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई, समझ में आ रही बात। इसका हाफ करें, उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर लें और फिर बाकी ये टर्म को पहले लिख लें और फिर वही चीज जो आपने ऐड की थी, जो आपने डिस्टर्ब किया था इक्वेशन को, उसी को सब्ट्रैक्ट कर लें, मतलब स्क्वायरिंग टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। थोड़ा और अच्छे क्लियरिटी होने के लिए ये एक्स स्क्वायर का जो माइनस लगा उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ ताकि समझ में आए कि माइनस सभी के लिए, मैंने कुछ नहीं किया। ओके, ये मैंने 2 लिखना चाहिए था, ठीक है, बट क्या लिखना चाहिए था 2। आप देखेंगे कि ये प्लस का इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x - 8 वही बच जाएगा जो था, तो फर्क क्या पड़ा, मैंने सिर्फ किया कितना काम, मैंने वही किया। मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि अभी आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, इसलिए एक्स का कोफिशियंट का हाफ करें जो कि -3/2 होगा, -3/2 के स्क्वायर को एक बार ऐड कर लें और -3/2 के स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें। अब क्योंकि माइनस का स्क्वायर +3 होता है इसलिए मैंने माइनस माइनस शो नहीं कर रखे, ये रीजन है। मेरी बात समझ में आ गई, ऐसा करते ही ना ये a+b का स्क्वायर या a-b का स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अब चेक करना है किसका है, देखते हैं जरा। इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट लगाया, माइनस लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ऐसे करके, हम देखेंगे ये ना। मैंने क्या हिंट दे रखा था, मैंने बोला था जब भी इसे स्क्वायर लिखना तो ऐसे मत लिखना, 9/4 की फॉर्म में मत लिखना, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ 3/2 का होल स्क्वायर। इससे फायदा ये होगा कि ये a² टाइप का है और ये b² टाइप का है और ये 2ab टाइप का है जिसके आगे माइनस लगा हुआ है,
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की फॉर्म बन रही है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। मैंने बताया था ए जरूरी है कि एक्स ही होगा, बी जरूरी है कि थ्री बाई टू ही होगा, क्योंकि इन दोनों के ही स्क्वायर्स हुए हैं, और बीच में वो साइन आता है डिटरमिनेंट ये करता है। तो बीच में कौन सा साइन आएगा, ये वाला माइनस, क्योंकि इसके आगे जो लगा है, और इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर जैसे ही आप लगाते हैं, आप अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए ओपन करके देखेंगे, यही रिजल्ट आएगा। एक्स स्क्वायर यानी ये प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर यानी ये माइनस टू टाइम्स इतनी चीज, टू टू कैंसिल, माइनस का थ्री एक्स आएगा, देखेंगे आ रहा है, समझ में आई बात है। एक बात ये, बाकी जो अंदर के टर्म्स बचे हैं पूरे नेगेटिव के साथ है, ध्यान रखना, और ये स्क्वायर ब्रैकेट तभी मैंने लगा रखा क्योंकि वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे करके बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट है, और अंदर की क्वांटिटी माइनस एट हो गया, और यहाँ देखेंगे थ्री का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, नाइन बाई फोर में कह सकता हूँ इसे, कितना हो गया नाइन बाई फोर, तो मैं नाइन बाई फोर लिख लेता हूँ इसे यहाँ से, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसे तो कैलकुलेट करना है, ये नाइन बाई फोर हो गया। आप देखेंगे एट फोर से थर्टी टू होता है, माइनस थर्टी टू माइनस नाइन, माइनस का फोर्टी वन, माइनस का फोर्टी वन बाई फोर, और माइनस के 41 बाई फोर को क्या स्टूडेंट्स मैं ऐसा कह सकता हूँ, स्क्वायर रूट माइनस का 41 बाई फोर है ना, आपने देख लिया माइनस का कितना है 41 बाई फोर। आप देखिए क्या मैं इसे ऐसा नहीं कह सकता, माइनस के 41 बाई फोर को क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं? ये, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का 41 बाई फोर ही तो बना है ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर होता है, वही बना हुआ। बस हम जो चाहते थे वो हो गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की फॉर्म आ गई। मैंने देखा कि ये माइनस साइन यहाँ पर है और इसका स्क्वायर रूट के अंदर इसको एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं स्क्वायर रूट के अंदर कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा करते हैं इसको अंदर एंट्री दिलवा देते हैं। जैसे इसे अंदर एंट्री दिलवाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर रूट माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये दिखने लग जाएगा ऐसा कुछ। अच्छा ये समझ में तो आ रहा होगा ना, मैंने इसे 41 बाई 4 को ऐसा क्यों लिखा, नहीं आ रहा तो चलो बता देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ओवरऑल चीज माइनस हो जाएगी, ये आपका बना। और क्यों कर रहा था मैंने उसे ऐसा, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म मिल जाए, और जो कि मिल गई है, अब ये ए कह सकता हूँ ना इसको, उसका स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो हमें मिला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन स्क्वायर रूट टाइप की फॉर्म मिल गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये कुछ और ही है, तो इसे थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ एक्स माइनस थ्री बाई टू को, लेट से टी, जैसे इसे टी बोलता हूँ एक्स का डिफरेंशिएशन वन आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन आएगा, और यहाँ पर वन लिखूंगा, थ्री बाई टू जीरो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आएगा, वो डी एक्स यहाँ शिफ्ट होगा, वन को डी एक्स कर देगा, यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, और जहाँ ये लिखा है उसके प्लेस पर टी लिख दो। तो ये हमें कहता है कि आप ऐसा कीजिए, मैं इसे रब कर लेता हूँ, पहले काम हो चुका है ना इसका, देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां dx है वहां पर आप dt लिख लीजिए ऐसे करके, क्योंकि निकला भी, और होल ओवर स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वांटिटी को वैसे ही लिख लीजिए जैसे लिखी हुई है, स्क्वायर रूट 40, ओके हाँ ठीक है, 41 माइनस टू ये ना हो गया माइनस, ये t स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए, आपने इसको t नाम दे दिया था ना। अभी हमारे पास परफेक्ट फॉर्मूला बन रहा है dt अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए का, अभी होगा साइन इनवर्स टी बाय ए, क्योंकि टी का फंक्शन है और वन बाय ए नहीं होता, ठीक है ध्यान रखना, टी बाय ए, और ए मतलब ये रूट 41 अपॉन टू, अपॉन टू मतलब यहाँ टी इंटू टू है, ठीक है ना, बस टी की वैल्यू प्लेस कर दो, साइन इनवर्स टू टू हो गया, टी की वैल्यू देख लीजिए एक्स माइनस थ्री बाय टू है, और होल अपॉन रूट 41, एक्स अपॉन ये होता है ना, ये हो गया कैसे, अगर करना चाहें सॉल्व तो इसे 2x 2x हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, ऐसा ही हो रहा है ना, सॉरी माइनस थ्री। तो ये चीज़ ना आपकी, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और श्रिंक कर सकते हैं, 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल होगा, माइनस का 3 आएगा, समझ में आ रही है बात, ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें कि 2 को इधर शिफ्ट कर लें, 2x माइनस 3 हो जाएगा, होल अपॉन का 2 इससे कैंसिल होगा, तो ऊपर में ना 2x माइनस 3 आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो चाहिए तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसा, इस क्वांटिटी को पूरा हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 2x माइनस 3, हियर इज योर आंसर, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 होल अपॉन रूट 41, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, प्रोसीजर एक ही है, कैसे समझना है क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना है, नीचे क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ बना है, बस उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे आपने फोकस करना है, आंसर तुरंत निकल के आएगा, फॉर्म आ जाएगी ना इस तरह की, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब्रॉड माइंड होकर सोचो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो देखो इधर देखना जरा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आती है, लिखा हुआ है एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी,
अब ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 15 है शायद ना, तो एक बार आप इससे पहले 13 क्वेश्चन को देख लो। अगर आपने 13 क्वेश्चन मेरे साथ किया था तो डेफिनेटली आप 15 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन में कोई पूछे किसका ये चांस है, मुझे लगता है इसको पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये वेरिएबल की फॉर्म में, जो कि काफी स्टूडेंट्स को थोड़ा घबरा जाते हैं वेरिएबल देखकर। देखिए तो क्या होगा, आप कुछ ना करें, आप वही करें, आप समझ गए कि नीचे क्वाड्रेटिक है और कुछ नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही तो है ये, एक फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है। आप इसे पहले क्वाड्रेटिक की परफेक्ट फॉर्म में लाएं, तो ऊपर dx है, dx को dx बनाए रखें, आप लिखेंगे स्क्वायर रूट। सॉल्व करने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर, एक्स बी से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू बी माइनस बी एक्स हो जाएगा ना, ऐसे करके माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी हो जाएगा। देखिए फिर मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि dx लिख देता हूं और स्क्वायर रूट लेता हूं ऐसे करके, और एक्स स्क्वायर रहने देता हूं, माइनस एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों जगह से, अंदर क्या बच जाएगा a प्लस बी, देखिए तो आपको दिखेगा a प्लस बी बच रहा है और यहां प्लस ए भी, कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना, वरना माइनस ए एक्स बच चुका है यहां पर, माइनस बी एक्स बच चुका है यहां पर, वही है सब कुछ। अब हमने एक अच्छी सी फॉर्म बना दी जिसमें एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 है, एक्स का कोफिशियंट ये है, माइनस ए प्लस बी और ये। पहला स्टेप होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आती थी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करवाना पड़ता था, जो कि ऑलरेडी गिवन है, 1 ही है। इसका मतलब एक काम तो हमारा हो गया, हल्का काम हो गया, एक सेकंड स्टेप को डायरेक्ट फॉलो करना है, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और उसके हाफ के स्क्वायर को एड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कैसे, ऐसे डी एक्स स्क्वायर रूट, देखना बड़े आराम से समझना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि ना 1 कोफिशिएंट था ऑलरेडी, इसलिए कोई कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज को लिख लूंगा ऐसे ही, ऐसे लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, a प्लस बी पहले कोफिशियंट फिर x ना, तो ऐसे अच्छा लग रहा है, ये लिख लिया। अभी जो काम करना है वो क्या करना है, x के कोफिशियंट का हाफ करना है। अब मैंने बोल दिया आपको कि x का कोफिशियंट आप माइनस ऑफ a प्लस बी लेते भी हो, उसका अपॉन करोगे तो 2 आ जाएगा नीचे पर, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही तो होगा ना, इसलिए मैं माइनस को कंसिडर नहीं करता, ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है ना। मैं माइनस को, मुझे पता है क्योंकि स्क्वायर करने पर कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ a प्लस बी ही मान लेता हूं उसका कोफिशियंट, जबकि मुझे पता है माइनस ऑफ ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी अगर मैं मानता हूं कोफिशिएंट, तो उसका हाफ क्या होगा, उसका हाफ होगा ए प्लस बी बाय 2, है ना। और आप होते तो आप क्या बोलते, माइनस ए प्लस बी बाय 2, लेकिन मैं कहूंगा जो भी हो लेकिन उसका स्क्वायर करो। आप माइनस में भी कहते हो तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है ना। तो समझ में आई मेरी बात, मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर कर दो, एड कर दो स्क्वायर करके, और फिर जो ये टर्म था उसे लिख लो और फिर उसमें से वही टर्म को सेपरेट कर लो जो आपने अपनी मर्जी चलाई थी जिसमें ऐड करने में, ये। समझ में आ रही बात, देखिए ये इससे कैंसिल होकर वापस वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई टाइम्स एक्स प्लस ए बी, वही बन जाएगा अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए तो, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने उन्हें जोड़ा और घटाया इसलिए था ताकि हम ये कर सकें, ताकि हम यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बना सकें। और आप देखेंगे कि ये अच्छा खासा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर टाइप की फॉर्म दिख रही है, तो जरूर ये 2ab होगा और उसमें जरूर ये माइनस 2ab होगा क्योंकि आगे माइनस, इसका मतलब ये फॉर्म कहीं ना कहीं a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म है जहां पर a ये है और b ये है। तो बस मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, ओके अभी एक्स स्क्वायर क्यों लिखूं मैं, अब तो मेरा बन चुका है ना ए माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म, अच्छी सी फॉर्म लिखते हैं आप, ठीक है। एक्स देखिए इसका स्क्वायर है ना, पहले मेरी बात समझ तो रही होंगे वैसे आप, ए प्लस बी बाई 2 इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर, श्योरिटी के साथ कह सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो जरूरी है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप की फॉर्म दे रहा होगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर हो गया ये बी स्क्वायर हो गया, तो दोनों को मैंने लिख दिया, लेकिन बीच में साइन कौन सा आएगा वो डिटर्मिन करेगा इसके आगे का साइन जो कि माइनस है। श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था वो पहले से ही दिख रहा था, मैं बताने के पर्पज से बोल रहा हूँ आपको, उतना देख लीजिए करके, एक्स स्क्वायर होगा ना ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर ही है, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर का मतलब इस होल क्वांटिटी का स्क्वायर वही है, माइनस 2ab होता है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ये, तो 2 कैंसिल होगा, x टाइम्स a प्लस बी आ जाएगा माइनस के साथ, वही लिखा हुआ है बस, बाकी बचा प्लस करके ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूं ना इसे सेपरेटली सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखो ए बी लिखा हुआ है
और माइनस करके लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आराम से देखना है, मैं इसे सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू का भी होल स्क्वायर है, तो टू के होल स्क्वायर को मैं ऐसे फोर बोल सकता हूँ ना, सेपरेट कर लिया। इसे क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि फोर ए बी हो गया मल्टीप्लाई होकर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और होल अपॉन में कौन आ जाएगा फोर। अब कोई कोई हो सकता है जानते हो इस बात को कि ऐसा कुछ होता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन कोई नहीं जानते तो ओपन करके देख लो, फोर ए बी होता है और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू सॉरी प्लस टू ए बी होगा कि नहीं होगा और होल अपॉन में फोर होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन किया, मुझे क्या दिख रहा है, मैं क्या ऐसे स्टूडेंट दिखना, जरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसे आप कोशिश करो समझने की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के अंदर थे, वो माइनस के अंदर ही है, 4ab और ये 2ab माइनस का है, बाहर आके क्या हो जाएगा माइनस 2ab, तो 4ab और माइनस 2ab प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा। उस प्लस 2ab को अगर मैं लिखना चाहता हूं, मैं ऐसे लिख लूं क्या उसे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होते हैं, क्योंकि ना आप कोशिश करें सोचने की, तो रिजल्ट आपका आया है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 4ab और माइनस 2ab प्लस 2ab, तो आपका रिजल्ट क्या आया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर आप देखें तो वही है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और होल अपॉन में 4, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है। और आप देखने की कोशिश करें कि ये चीज a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब दिस कैन बी रिटन इज a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर बाय 4, तो 4 को भी ऐसा करता हूं 2 बना के इसका स्क्वायर होल में ले लेता हूं ऐसे करके, ये मैंने गलत तो नहीं लिखा, बिल्कुल सही है ना, माइनस बाहर ले लिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही था जो लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, मतलब ये जो चीज आपने लिखी है ये ओवरऑल थिंग, इस चीज को आप कह सकते हैं, मतलब प्लस हटाकर आपको माइनस बोलना पड़ेगा, इसके कारण माइनस आप बोल सकते हैं ए माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर, बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ रही है, तो बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस हो गया ये, मैं इसे रब कर लेता हूँ कैलकुलेशन पोर्शन को। अब स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और हमारा काम बन चुका है, क्योंकि हमारी एक एक्स स्क्वायर माइनस और एक कॉन्स्टेंट का स्क्वायर टाइप की फॉर्म आ चुकी है, लेकिन क्योंकि परफेक्टली एक्स नहीं है तो इसको कुछ सपोज कर लेते हैं, एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू को मैं थोड़ी देर टी सपोज कर लेता हूँ ताकि मैं बोल सकूँ टी का स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने इसे क्या डिफरेंशिएट करता हूँ, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स डी टी वाई डी एक्स होगा, वो डी एक्स को इधर शिफ्ट कर दूंगा, मतलब ये समझ में आया कि टी ये है और डी टी डी एक्स और डी टी इक्वल है। ऐसा करते ही मुझे समझ में आ रहा है कि जो डी एक्स है उसकी वैल्यू मैं लिखूंगा डी टी और स्क्वायर रूट लगाऊंगा और ऐसे करूंगा, और ये जो मैंने बोला था इस होल थिंग को, मैंने टी आपके सामने अभी बोला तो टी स्क्वायर बोलना सही रहेगा, और माइनस करके वो थिंग को वैसे का वैसा ही बोल दो जो कि कॉन्स्टेंट का स्क्वायर टाइप की फॉर्म है, यानी एक तरह से ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म है। अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म बन गई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म बन गई। ध्यान रखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बनी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाता, लेकिन अभी जो फॉर्मूला बना वो ये है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आपको याद आ रहा होगा सब मैंने ढंग से बताए डिराइव करवाए अच्छे ढंग से मैंने बता रखे हैं सब याद है आपको, ठीक है ये रिजल्ट आ गया। बस हमें जो स्टूडेंट करना है वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन। अब मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ आपको समझ, ये कुछ काम नहीं है क्योंकि काम तो हमने ले लिया ना जो भी है, देखिए देखना अब स्टूडेंट्स बस कुछ नहीं करना, वैल्यू प्लेस करनी है, टी की वैल्यू रखते हैं, ये रिजल्ट आ चुका है लॉग ऑफ टी, टी कहाँ है आपका टी सपोज किया था ये एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू, ये हो गया आपका टी, ठीक है प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप कैसे समझेंगे, ये क्वांटिटी है जो लिखी हुई है, एक अच्छी सी चीज जरा होते होते बच गई यहां से, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है स्पेस का, मैं देखिए सर आप कर लूँ क्या इस लाइन को, ठीक है आप सही हो जाएगा, देखना है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, टी स्क्वायर यानी कि टी मतलब ये एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका टी स्क्वायर ये होगा ना टी स्क्वायर, क्योंकि इतनी क्वांटिटी टी है आपके अकॉर्डिंग, और माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब वो जो लिखा हुआ है ए की वैल्यू लिख लीजिए ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है,
ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने ना एक चीज़ यहाँ से रब कर चुका हूँ, वैसे मैं अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो आप देखेंगे ये और कुछ नहीं है, एग्जैक्टली वही है जो लिखा रहता है ना, वही तो चीज़ है जो कितनी लिखी गई है। और ये चीज़ कहीं और से नहीं आई, ये मॉडिफाई करके आ गई थी, इसी को मॉडिफाई फॉर्म है, इसी की मॉडिफाई फॉर्म ये है, मतलब इसकी मॉडिफाई फॉर्म वो है। तो आप चाहें तो वैसे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इतना चाहें तो लिख लें आराम से, ये आपका आंसर माना जाएगा। लेकिन कोई कोई ऐसा भी कर लेगा तो आप प्रॉब्लम में मत आना। कोई क्या कर सकता है, कोई ये बोल सकता है कि ये जो आंसर आया लॉग एक्स को एक्स लिखेगा माइनस ए प्लस बी बाई टू को, हर कोई ऐसे ही लिख सकता है, इतना हो गया, ये उनका टी की तरह हो गया, बाकी प्लस था स्क्वायर रूट के अंदर, उन्हें पता है कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा, मतलब कि ये जो फॉर्म थी, ये फॉर्म और कोई नहीं थी, ये यही थी, है ना। तो आप इसे आराम से अगर ये भी बोल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई कोई इसे ये भी कहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ओपन करके देख लो, लेकिन ओपन करेंगे नहीं आप, क्योंकि आप ही ने तो बनाया है इसको ऐसा खुद ही, तो आप, मैंने तो रब कर दिया वरना मैं डायरेक्ट रेफरेंस देता कि ये चीज ऐसे टैली कर रही है, आप रिटर्न करके देखें, यही चीज एक बारी में आकर फाइनली ये हुई थी बस, एड सब्ट्रैक्ट करके समझ, ये आपका आंसर बोल सकते हैं और या फिर ये बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आंसर है, ठीक है। आप समझ में आ गया स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, ठीक है ना, मार्क करने से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4x + 1, सिर्फ क्वेश्चन ही बढ़िया है, आंसर इसका बहुत इजी है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 2x² + x - 3। अभी वैरायटी बढ़िया है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, इस बार मतलब कुछ ज्यादा ही इजी है। देखना मैं आपको बताता हूँ, वेट करना आप 16 क्वेश्चन के बाद 17-18 क्वेश्चन में वेट करो मेरे साथ साथ, ठीक है। मैं पहले कुछ काम की चीजें बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब मैं आपको फॉर्म बोलता हूँ क्या है, पहचानना कैसे है, 7.4 दो टाइप के क्वेश्चन पर बेस्ड है, एक तब जब आपका नीचे कौन बनेगा डिनोमिनेटर में बनेगा क्वाड्रेटिक, लेकिन एक दूसरा तब जब आपका ऊपर जो फंक्शन एक बनेगा पीएक्स बनेगा, नीचे बनेगा क्यूएक्स, ठीक है ना, ये बनेगा, ये फॉर्म बनती है रैशनल फंक्शन की फॉर्म बनी है ना। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए ना वहां पर इसका ऑर्डर हमेशा जीरो आ रहा था, यानी एक्स की पावर कुछ नहीं थी, हमेशा कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। देखिए जरा रिटर्न कीजिए ना क्वेश्चन, नंबर क्या चल रहा, क्वेश्चन 16 से पहले आइए जरा, 15 देखिए, 14 देखिए, 13 देखिए, कोई भी देखिए, 10 से लेकर 15 तक सब में न्यूमरेटर 1 था, अभी फर्क आ गया, न्यूमरेटर एक लीनियर फंक्शन आ गया, मतलब न्यूमरेटर भी वेरिएबल आया है इस पर। अगर अब आप इस तरीके से करते हैं ना आप खुद फंसेंगे आगे जाकर, करके देखें आराम से, वही काम करें जैसा मैं करवा रहा था, बिल्कुल करें, लेकिन करना जरूरी है, मैं नहीं करवाऊंगा ना उसे क्योंकि वो गलत चीज़ है, लेकिन आपको करनी है, वहीं से स्ट्रेंथ बनती है, असली स्ट्रेंथ वहीं से बनती है, बिल्कुल जैसा मैंने करा एक बार वैसे ही करके देखें, फंसेंगे आप आगे जाकर, जब ये फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप की आप फंसेंगे, क्योंकि आप जैसे इसको कुछ टी सपोज करेंगे वो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बोलेगा, और अगर वो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बोलेगा तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट कीजिएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें। मैं ये उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो ट्राई कर रहे होंगे, जिन्होंने करा होगा उनके लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज और को समझ में नहीं आ रहा होगी मेरी बात, ठीक है ना। बाकी मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझना, पहचानना कैसे है क्वेश्चन को, 10 to 15 एक अलग फैमिली है, 16 to 23 एक अलग ही फैमिली है, और इन दो फैमिलियों पर ही बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। 10 to 15 में आप देखेंगे न्यूमरेटर 1 है, तो वो एक ईजी पैटर्न के क्वेश्चन है, ईजी ये भी है, वो एक तरह के पैटर्न है, एक दूसरा पैटर्न है, उसमें जो अभी तक हम करते आ रहे थे, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस वही करना है नीचे वाले क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर से ओपन करना और फिर आराम से कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पहचानने में आ रहे हैं ना एक तरह से, कि जहां पर लीनियर फंक्शन ऊपर होगा और क्वाड्रेटिक फंक्शन नीचे होगा, उन्हें कैसे करना है। अभी तक सिर्फ किया कि नीचे क्वाड्रेटिक की क्वाड्रेटिक या ऊपर कांस्टेंट है, अभी नीचे क्वाड्रेटिक है तो सही लेकिन ऊपर लीनियर है, तो प्लानिंग पहले से होनी चाहिए हमारे इसके लिए, ठीक है ना। प्लानिंग जो होगी वो प्लानिंग से, वो प्लानिंग अभी नहीं बता रहा आपको क्योंकि उससे अभी लंबा हो जाएगा, मतलब कुछ फायदा नहीं होगा, अभी आप रिटर्न करना इसी पर क्वेश्चन पर, क्योंकि ना ये इजी टाइप क्वेश्चन है, इजी इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो 7.2 से रिलेटेड है। कैसे, 2x² + x - 3 को आप देखेंगे तो ये टी दिखेगा, सपोज करेंगे इसका डेरिवेटिव ले, 4x होगा इसका डेरिवेटिव ले 1 होगा, 3 का 0 होगा, इसका dt by dx होगा, dx यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं ये इजी है क्योंकि न्यूमरेटर को मैच करें, डायरेक्ट आ गया, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना ये ना, एक ध्यान रखना ये ऐसे ही आ गया क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही आ गया, कोइंसिडेंस से ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, अभी असली क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला है इसके बाद वाले से, और फिर उससे दोबारा रिटर्न करना उसी मेथड को इसमें लगा के, तभी भी आंसर आएगा। अभी तो क्योंकि इजी पढ़ रहा है कि दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो लग गया, ठीक है। मैं बोलूंगा ऊपर वाला डी टी हो गया पूरा का पूरा, नीचे वाला पूरा टी था स्क्वायर रूट के अंदर था,
ये होगा, मैं बोलूंगा टी की पावर हाफ ऊपर आएगा माइनस हाफ की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा और डी टी था। सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, टी की पावर एन एक्स रेस टू दी पावर एन को हम बोलते हैं एक्स रेस टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन होता है। तो एक्स की पावर एन प्लस वन यानी माइनस हाफ प्लस वन कितना होगा हाफ अपॉन हाफ, तो अपॉन में वन बाई टू आएगा, वो टू ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ये आपका रिजल्ट है। टी की वैल्यू प्लेस कर लीजिए, टी आपने इतना कुछ सपोज किया कि टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और आपने बोला ये स्क्वायर रूट के अंदर है ये प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर है टी के बराबर हाफ, ये अभी फिलहाल आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो 7.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड, अभी तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आपका सब्सटीट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज से कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, अगला क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा शायद क्या पता वो भी ऐसे ही ना हो जाए, लेकिन देखता हूं अगर मैं जब बताऊंगा मैं रिटर्न करने के लिए कहूंगा इस क्वेश्चन को फिर उस पैटर्न से करना जो मैंने बताया है, कुछ पाओगे आप उस समय। ठीक है ना, अभी मैं इसे रब करता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये क्वेश्चन का पैटर्न वो था, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया आराम से सब्सटीट्यूशन मेथड से देखने से ही हो गया। अब जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे भी अगर आप इसे करते ना एग्जैक्टली आप यही करते, ठीक है, जैसे कि मैं, और ऐसे भी सोच लें कि हमें कैसे समझ में आएगा एकदम से, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना स्टूडेंट्स के मन में कि हमें कैसे समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर को मानना है तो वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो ऐसा लग रहा है ना कि हमें बिल्कुल बहुत सुपर कॉन्शियस रहना है हमें, कि हमें ध्यान रखना है कि नीचे भी देखते हुए चलना है ऊपर भी देखते चलना है, मतलब कुछ ज्यादा ही यहां पर कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ रही है, अवेयरनेस की, तो ऐसा भी नहीं है, फिर ऐसा भी नहीं है। देखिए आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। मेरे पास क्वेश्चन आया 17th, अभी लिखा गया है एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, अभी क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब देखने से तो मुझे क्वेश्चन दोबारा होता हुआ लग रहा है, एक दो मेथड से होता हुआ लग रहा है वैसे तो, ठीक है। क्या मैं आपके साथ शेयर करूं बात, अभी मुझे लगता है कि अभी देखिए क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, अभी सिंपली होने लायक क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसमें लग नहीं रहा कि कुछ स्पेशल किया जाए, जब स्पेशल करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट आ जाएगी मैं करूंगा। अभी तो मुझे सिंपल ये लग रहा है कि स्प्लिट कर दो इनके डिनोमिनेटर को, अगर इनको ऐसे स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब मुझे फायदा भी इसमें लग रहा है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे आप देखते रहना, अभी वो आ नहीं पा रहा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन, अभी आएगा इसके बाद, क्योंकि ना अभी तो देखते ही दिख रहा है कि अगर इसे आप टी मानोगे तो ये 2xdx देगा और वो xdx ऊपर है ही सब्सटीट्यूशन, बाकी इसको करना मुश्किल नहीं है, अभी तक जितने पैटर्न किए उन्हीं पर बेस्ड है क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, तो ये भी मुश्किल क्वेश्चन में से नहीं है। धीरे धीरे डिफरेंस करना भी अभी ये भी आराम से हो गया स्प्लिट कर, और जो मैं मेथड कह रहा हूँ ना जनरल मेथड है वो भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं तब तक नहीं आ रहा उस पर जब तक कि हम कुछ ना कर सकें, अभी हो पा रहा है। अभी हम समझ गए कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन को किसी ने टी मान लिया तो वो बोलेगा 2x और यहाँ बोलेगा dt अपॉन dx और dx को यहाँ शिफ्ट कर देगा क्योंकि 1 का जीरो था। अब हम समझ गए x dx को हम बोल सकते हैं कितना 1/2 dt, तो मैं बोलूंगा 1/2 dt और नीचे मैं बोल दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर t क्योंकि मैंने उसे t सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस वन को, ये आ गया यहां से। चलिए अभी ना एक तरफा ही सॉल्व करता हूँ फिर आता हूँ, ठीक है, अभी इसी को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हाफ डी टी बाई टी ऊपर आएगा टी की पावर माइनस हाफ होगी जैसे लास्ट टाइम हुआ था, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी। आप देखेंगे हाफ हाफ होगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन जो कि कितना होगा आपका हाफ और अपॉन हाफ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ ठीक है ना मैं एक्स की पावर एन को, तो स्क्वायर रूट टी आएगा एक तो इंटीग्रेट करके इसके और इसको एक करके आएगा हाफ ऐसे करके और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैसे अगर नहीं आ रहा समझ में, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी एक्जैक्टली ये इंटीग्रेशन किया था देख लो ठीक है ना प्लस कॉन्स्टेंट, अगर नहीं आ रहा समझ में स्क्वायर रूट टी इसका आंसर आ गया, टी आपने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब इसका आंसर ये आ गया ठीक है, इसका आंसर निकाल दिया, इसका आंसर निकाल दिया हमने, इस पूरे ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर हमारा वो आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ ठीक है। अभी मैं सारे आंसर हटाकर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ उसके प्लेस पर इसका रिजल्ट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है, मैंने लिख दिया इसका सिर्फ रिजल्ट, मैंने बोला कि इसका रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक कॉन्स्टेंट टाइप का आप कह सकते हैं वो ओवरऑल में हो जाएगा प्लस टू इसका बाहर ले ली डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी अच्छी खासी फॉर्म बन रही कि नहीं बन रही, कुछ भी नहीं करना आपको एक्स्ट्रा, ये फॉर्म बनी है ऑलरेडी, फॉर्मूला ही लगाना है, इसको आपने भी सॉल्व करके देख लिया था एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्स्टेंट ओवरऑल में लगा दूंगा ठीक है, प्लस टू टू रहेगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आराम से आप बोलेंगे कि ये होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर है बस कॉन्स्टेंट, ये आपका रिजल्ट आ गया रिजल्ट, मतलब क्वेश्चन नहीं था इस बार भी, कोई क्वेश्चन कोई टफ नहीं था बिल्कुल, आपको कुछ नहीं सोचना जो दिख रहा है वो करना है और आप कर सकते हैं और आपने कर दिया ठीक है ना।
लेकिन मैं बताता हूँ कि आगे अब क्या क्या हो सकता है आपके साथ। ये समझ में आ गई बात, ये क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चनों में से एक था, ठीक है ना। अब शायद आ जाए उसका टर्न जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना हमें, देखना जरा। अब 18 जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, आप उनसे रिटर्न करना 16 और 17 पर एक बार दोबारा से, तब आप देखेंगे मैं कहना क्या चाह रहा था, क्योंकि सारी बातें कहकर नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं बातें ज्यादा कहने से। 1 + 2x + 3x² dx लिखा हुआ है, इस बार ही है। अब स्टूडेंट्स, अब इस बार बताऊं क्या है, इससे पहले ना एक अच्छा खासा फॉर्म मिली थी तो हो रहा था। अभी अगर आपको लगता है कि आप स्प्लिट करके कर सकते हैं तो एक बार करके देख लें, अगर आपको लगता है कि स्प्लिट करके हो सकता है तो एक बार स्प्लिट कर देखें, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ वाली बात, क्यों नहीं हो पाएगा, मैं आपको एक हल्का सा क्या हिंट देने की कोशिश करूं, कैसे नहीं हो, मैं करूंगा नहीं सॉल्व, मैं हिंट देता हूं, मैं हिंट ये देता हूं, मेरी बात जरा ध्यान से समझेंगे आप, जरा समझना, एक हिंट दे रहा हूं, ठीक। मैंने बोला ना बाई चांस आप इसे, हिंट दे रहा हूं इसलिए जल्दी भी करूंगा, ठीक है ना। पहले स्क्वायर है तो नहीं इसके नीचे, नहीं है स्क्वायर नहीं, ठीक है। हाँ, हिंट ये दे रहा हूँ, मैंने बोला ये चीज ना आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे जैसे कि करते थे, कुछ आप परफेक्ट स्क्वायर बना के कुछ कुछ ऐसी फॉर्म ले आओगे, इजंट इट, x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की, कुछ कह रहा हूँ मैं, ऐसी फॉर्म मान लिया आप ले आओगे, मेरी बात समझ पा रहे हो। परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसे ही कुछ फॉर्म आती है ना, मतलब मेरी, मैं एक रफली एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि बातें समझ में आए आपको, क्लियरली आप समझ रहे हैं। अब आप क्या करते, आप बोलते कि चलिए मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे में तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, आप इसको ऐसे कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, आप बोलते हैं इसका dx ले लेंगे अलग से, आप बोलते हैं माइनस टू करके dx ले लेंगे इसका। मैं हिंट दे रहा हूं उन स्टूडेंट्स को जो जिनमें है क्यूरियोसिटी, उनको दे रहा हूं, ठीक है ना। प्लस बी स्क्वायर, ये तो ना हो जाता क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर था नीचे, लेकिन आप देखेंगे ये होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, बार बार आप करते थे इसको टी सपोज करते थे, जैसे ही आप एक्स माइनस ए को टी सपोज करोगे तो डीएक्स डीटी के इक्वल आ जाएगा। अब डीएक्स डीटी के इक्वल आ जाएगा तो इस एक्स का क्या करोगे फिर, क्या x को दोबारा फिर a प्लस टी ऐसा करने लग जाओगे, करके देखो। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको, मैं बताना चाह रहा हूं कि पहली सिचुएशन ये थी कि dx dt आती, वो पूरा ओवरऑल dt बन जाता था, ये वाला पूरा t बन जाता था, ये a बन जाता था, अभी ये x प्रॉब्लम कर देगा आपको, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में ये बातें नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं कह रहा था जब भी लीनियर फंक्शन ऊपर आ जाएगा वो करने की कोशिश मत करना जो अभी तक करते आ रहे थे, और ये बातें एप्लीकेबल है 16 और 17 दोनों क्वेश्चन में भी, लेकिन वहां ऐसा कोइंसिडेंस बन जा रहा है कि वहां क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। अगर आप रिटर्न करें इसी मेथड से जो मैं बताने वाला हूं आपको 16-17 क्वेश्चन, आप समझेंगे कि हुआ क्या था वहां पर, ठीक है। लेकिन जरूरी है 16-17 क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूं रिटर्न करना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, ये मत सोचना कि आपका क्वेश्चन हो गया और आप जाएंगे नहीं वहां, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, पूरी तरह से नहीं आ पाएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, अगर मैं एक बार क्वेश्चन मैच कर लूं 5x - 2 1 + 2x + 3x², ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे जब सॉल्व करना है ना, मैंने क्या बोला, जब भी आपका ऊपर पे एक लीनियर फंक्शन बना है आपको तुरंत समझ जाना है, लीनियर फंक्शन को देखते ही आपको समझ जाना है कि लीनियर फंक्शन के साथ हमें कैसे काम करना है, जब लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, फिर आपको ये करना है, जब लीनियर फंक्शन, तो आपको ये काम करना है, आराम से लीनियर फंक्शन को लिखना है इधर पर ऐसे करके, फिर बोलना है कि ये लीनियर फंक्शन को, ये करना है प्रोसीजर जो मैं कह रहा हूं। देखो फायदा क्या होगा, बहुत अच्छे फायदे हैं इसके। ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ जो डिनोमिनेटर है वो लिख दो 1 + 2x + 3x². मैं अगर आपको एक बात कहूँ ना, मैं करके रहा हूँ, मैं परफेक्ट डिफरेंशियबल बना रहा हूँ इसे, परफेक्ट डिफरेंशियबल मतलब कि मैं यहाँ पर जो चीज़ लिखूँ उसको t सपोज करूँ तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर आ जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा। आप देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 6x + 2 आएगा जो कि ऊपर है नहीं, 6x + 2 आएगा जो कि ऊपर है नहीं, तो इसीलिए मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूँ एग्जैक्टली ऊपर वाला आंसर आ जाए, वो करना चाह रहा हूँ, उसकी टेक्निक है। अगर आप सोचने पर आए ना, मैं चलिए अगर मैं डायरेक्ट कर लेता ऐसा, चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये करना पड़ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक, ठीक है। अब जरा समझना, ये मैंने किया, ये अभी ध्यान रखना, ये मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला 5x - 2 का, आप बोल रहे हैं डिफरेंशियबल कितने का करें, ए का करें और प्लस बी कर दें, ऐसा आपने थोड़ा देर के लिए सोचा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, एक बार इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ए को ए लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ इसे सॉल्व करें, 2x का 1 का तो 0 हो गया, 2x का 2 हो गया, 3x² का 6x हो गया, बी का प्लस बी हो गया। आप देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें कांस्टेंट कर लें, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उन्हें एक साथ कर लें, जैसे 2a और यहां से b, ये एक साथ हो जाएंगे, 2a और b एक साथ हो जाएंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, और a into 6x ये एक साथ हो जाएगा, यानी कि 6ax एक साथ हो जाएगा। यहां से कंपैरिजन करना है अच्छा सा,
आप देखें जो एक्स के कोफिशियंट है उन्हें एक्स के साथ, और जो विदाउट एक्स है यानी कांस्टेंट है उन्हें कांस्टेंट के साथ क्या करें आप कंपेयर करें, 5x, यहाँ एक्स का कोफिशियंट 5 है, वहां एक्स का कोफिशियंट कितना है 6a, ये कर लिया आपने, यहां से a निकल कर आया कितना 5/6, एक काम हो गया। यहां कांस्टेंट टर्म 2a प्लस बी है, यहां कांस्टेंट टर्म माइनस 2 है, तो माइनस 2 कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगा 2a प्लस बी के, और क्योंकि आप a निकाल चुके हैं तो b निकल जाएगा, आप बोलेंगे माइनस टू ए इधर ले आया, 2a इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू आप जानते हैं, आराम से प्लेस करिए, माइनस टू टाइम्स ए, ए आपने निकाला था 5/6 आया था, आराम से बी निकलेगा, 2 ने 3 बार कैंसिल किया, -2 × -5/3 आया कि नहीं आया, ये बी आ रहा है, सॉल्व करेंगे -6 हो जाएगा, -6 − 5 − 11, -11/3 ये बी आ गया, बस काम की चीज निकल गई, बी नोट कर लें और ए नोट कर लें, कर लें बाकी सब कुछ मैं रख कर रहा हूँ, ए मेरा 5/6 आया, बी मेरा -11/3 आया, बाकी सब कुछ मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन काम हो गया ए भी निकालना था। अब समझे बात को, हुआ क्या, ये करा क्या हमने, हमने अब ये करा, हम समझ गए कि अब से ए को हम ना क्या बोलेंगे, 5/6 लिख रहा हूँ ए के प्लेस पर, तो ए को हटाकर सिर्फ 5/6 लिख रहा हूँ, बी को हटाकर -11/3 लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें अच्छा सा लिखने की तो आप बोलेंगे 5/6, डिफरेंशिएशन कर लें इसका, 1 का 0, 2x का 2, 3x² का 6x और -11/3। आपने कहा कि 5x/2 को हम -3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और होता क्या है ना, मैं अगर 5x - 2 की जगह सीधे ये लिख देता ये चीज, और आप सॉल्व करके देखेंगे आप बोलेंगे कि हाँ ये बात तो सही है, 5/x वही आ रहा है 5x, जैसे करके देख लें अगर करना चाहें तो, एक फर्स्ट टाइम इसलिए करके दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है ना, करके दिखा रहा हूँ जरा आराम से समझना, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है, इसे सॉल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं, ऐसे ही रफली दिखा रहा हूँ, 2 + 6x है, -11/3 था ना, तो मैं 6 करवाने के लिए उसे 3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो ये हो गया 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 6 = कितना हो जाएगा 30x, और होल अपॉन में 6 है, यहाँ भी 6 है, माइनस का 22 हो गया, और होल अपॉन में 6 हो गया, 10 − 2 कितना होता है, 10 − 22 -11 और माइनस कितना 12, -12 और होल अपॉन 6 हो जाएगा, और ये आपका क्या क्या बचा, x था इसके लिए, कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है यहाँ से देखने से, 6 कॉमन आ रहा है, 5x बच जाएगा, 6 − 2 ये हो जाएगा, नीचे एक 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इस चीज़ को सॉल्व करके 5x − 2 आ रहा है और आएगा ही, वो मैंने आपको अभी इसलिए दिखा दिया ना, मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि जैसे ही आप अब 5x − 2 के प्लेस पे ये बातें रखने लग जाओगे ना, आपको बहुत बड़े फायदे होने लग जाएंगे, 5x − 2 की जगह आप ये लिखोगे तो फायदे होने लग जाएंगे, क्वेश्चन यही अराइज होता था ना कि 5x − 2 को हम यही कैसे लिख सकते हैं, उसकी टेक्निक है कि ऐसे करके करें ए बी को निकालें कि किस ए और बी की वैल्यू के लिए ये ऐसा बन जाएगा परफेक्ट, इसको वो बन जाएगा इसका इंटीग्रेबल डिफरेंशिएबल, वो करवाने की टेक्निक थी, बस अब मैं समझ गया 5x − 2, देखिए मैं अभी ना इसके बाद भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कराऊंगा आराम से समझ में आएगा, अगर पहली बार में समझ में नहीं आ रहा तो तब की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो मैंने कहा कि 5x माइनस, मैं प्रूफ करवा रहा था आपको कि 5x − 2 ही है, तो मैं अब क्या करूंगा 5x − 2 प्लेस कर दूंगा, किसके प्लेस पे, ये जो आपको यहाँ 5x − 2 दिख रहा है उसके प्लेस पे मैं इस क्वांटिटी को लिख दूंगा आराम से, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना जरा आराम से, अब मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x − 2 के प्लेस पे मैं बोलूंगा 5/6 2 + 6x -11/3 और होल अपॉन में 1 प्लस, अब मैं इसको वैसे लिख लूँ क्या, पहले वाले क्वाड्रेटिक को आगे ऐसे करके, पावर को सबसे ज्यादा को आगे फिर ऐसे करके, ये हो गया, बस अब मैंने 5x − 2 को हटा के ये कर दिया, अब ये हमेशा करना है आपको, ये हमेशा तब करना है जब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक होता है, और यही काम अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी करके देखें ना, इससे पहले वाले में, वहां ए और बी दोनों की, बी की वैल्यू तो 0 आ रही है शायद और ए की वैल्यू 1 आ रही है, आप एक बार करके देखो कुछ समझ में आएगा आपको, वहां से बोलने से नहीं होगा, करके देखें उसे, ठीक है, ये हो गया, अब इसे ये जो चीज है ना इसे अब डिनोमिनेटर को एक बार सेपरेट करें, अब फायदे में रहेंगे आप, मैं यहां से स्टेप यहां चलवा रहा हूं, ठीक है ना, मैंने क्या कर रहा है डिनोमिनेटर को अब सेपरेट कर दिया, 5/6 ऐसे हो गया, 2 + 6x ऐसे था, डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट करवाया तो ये हो गया 3x² + 2x + 1 dx, इसको अलग करवा दिया, -11/3 वाले को अलग करवा दूंगा, डिनोमिनेटर अलग करवाया तो बचा dx अपॉन
cx square plus 2x plus 1. कुछ नहीं करा मैंने डिनोमिनेटर को, अब स्प्लिट कराया, पहले नहीं कराया था क्योंकि पहले स्प्लिट करके फायदा कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कभी भी ये नहीं होता था, इसलिए कभी भी फायदा नहीं था पहले स्प्लिट करा के। स्प्लिट कराएं तब जब आप फॉर्म ले आए हों एक स्पेशल टाइप की, ए और बी की वैल्यू डालकर। अब अगर आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को टी मानते हैं ना, आप देखेंगे ये निकल के आएगा, इसको मैं टी मानता हूँ, सोचिए 6x आएगा और यहाँ 2 आएगा, वो देखिए ऊपर रखा हुआ है, सीधे dt by t की फॉर्म बनेगी, आंसर सीधे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पूरा काम हो चुका है। ये प्रोसीजर समझ में आया तो काम हो चुका है, लेकिन ऐसे ही इतने सारे क्वेश्चन है ना इस पर, करेंगे सारे के सारे एक एक करके। इसको रब कर लेता हूँ, बस पूरा काम फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है ना, देखिए वेट फॉर सेकेंड, देखिए यहाँ पर 5 बाई 6 को अब आराम से यहाँ पर आराम से आप सपोज कर लीजिए 3x square plus 2x minus 1, इसे t बोल लेना, डिफरेंशिएट करेंगे 6x होगा इसका 2 होगा इसका dt by dx होगा, dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में आएगा कि 5 बाई 6 यहाँ पर है और ऊपर वाली चीज आप देखेंगे कि इसको अगर आप इससे मैच करें तो 2 plus 6x dx 2 plus 6x dx dt हो गया आराम से, ये होगा ही, ये मैं सोचना कि अभी हो गया, हमेशा होगा ये अगर आप वैसे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ए और बी की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, हमेशा होगा। इस पूरी चीज को आपने टी सपोज किया था, टी लिख लेना, बस आप जानते हैं कि 5 बाई 6 डी टी बाई टी, आप जानते हैं इंटीग्रेशन में लॉग टी देता है और टी की वैल्यू आप सब जानते हैं, ये आपका रिजल्ट हो गया इस इंटीग्रेशन का, इतना आपने इंटीग्रेट कर दिया आराम से, बची बात उसकी वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। बस इसको इसके प्रॉपर आंसर को एक बार नोट कर लेता हूँ और फिर उसको इंटीग्रेट करने लगते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई ना आपको, बातें समझ में आनी चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं आया, आएगा धीरे धीरे आता रहेगा अगर नहीं आया तो, इसीलिए तो मैं सारे क्वेश्चन कराने का मैंने सोचा है इसमें, ठीक है। 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस पूरे का आंसर आराम से ही आया, ठीक है। अभी इसे रब कर लूंगा, देखिए अभी आती है बारी इसकी, माइनस 11 बाई 3 को आराम से ऐसा लिखें। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये वही चीज है, इस क्वाड्रेटिक को ओपन करें क्योंकि अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, जो आपके 13, 14, 15 टाइप के क्वेश्चन थे उनकी तरह आ गया क्वेश्चन, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर कॉन्स्टेंट है। आराम से इसे सॉल्व करना है, आराम से ऐसे करें, dx को dx रहने दें, नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। 3x स्क्वायर को पहले x स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 बनाए, इसलिए 3 को कॉमन ले लें, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बाई 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 1 बाई 3 हो जाएगा। सबसे पहला टास्क हमने क्या किया, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाया, क्यों, क्योंकि ये वो फॉर्म आ चुकी है जो 15 क्वेश्चन तक चल रही थी, यानी ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक, क्योंकि ना ये देखिए कितनी आसानी से हो गया, तो थोड़ा सा जो टास्क लगेगा उसमें लगेगा, ठीक है। ये आंसर देखिए, ये आंसर ना आ चुका है आपका, किसका, इसका आंसर आ चुका है। बाकी मैं इसको ना थोड़ा आराम से यहां लाके सॉल्व कर लेता हूं ताकि स्पेस मिल जाए, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। माइनस 11 बाई 3 को ऐसे ही लिख दूंगा, इंटीग्रेशन था डीएक्स लिया बना 3 को बाहर ले आता हूँ, 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक क्लियर है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर जो था उसे ऐसे ही लिखा, एक काम हो चुका था। अब x का जो कोफिशियंट है 2 बाई 3 उसका हाफ करो, 2 बाई 3 का अगर आप हाफ करोगे ना तो इतना रिजल्ट आएगा 1 बाई 3, 2 बाई 3 का जब हाफ करते हो 1 बाई 3 आता है, तो 1 बाई 3 का स्क्वायर एक बार एड करो इक्वेशन में और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, 1 बाई 3 का स्क्वायर एक बार होल स्क्वायर एक बार ऐड करो और एक बार उसी इक्वेशन में 1 बाई 3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो और 1 बाई 3 का होल स्क्वायर यहां 9 लिखकर कर लेता हूं सॉल्व, क्योंकि 1 बाई 3 का होल स्क्वायर 1 बाई 9 ही होगा, ये दोनों कट जाएंगे एक्जैक्टली क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगी इक्वेशन, लेकिन फायदा क्या हुआ, ये जरूर ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का कुछ बना रहे होंगे। इस चीज को कोशिश करो यहां देखने की, माइनस 11 बाई 9 इंटीग्रेशन dx को dx रहने दो, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ये देखिए यहां पर प्लस है, समझ में आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये प्लस है, इतनी देर से मैं इस बारे में बोल रहा हूं। इसे मैं अगर लिख लूं x प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको इसमें, x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1 बाई 3, देखिए सब कुछ वही है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स x बाई 3, वही है ना, एक्जैक्टली वही हो गया, इतना काम हो गया। इनको सॉल्व करना है अगर तो सॉल्व आराम से कर ले अपने अपने स्टाइल से, मैं ऐसे कर लेता हूँ माइनस 1 बाई 9, मैं क्या करता हूँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, अपने तरीके से करें, इसे सॉल्व तो करना आता है ना आपको। 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 9 आंसर आ रहा है, और वो भी किसका, प्लस का 2 बाई 9 आंसर आ रहा है। 2 बाई 9 को ऐसा बोल दूँ रूट 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, ये भी तो 2 बाई 9 ही हुआ ना, प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, इसको हमने ऐसा लिख दिया, बाकी इसका आंसर आ चुका है,
इसके आंसर में हमें प्लस कर देनी है ये क्वांटिटी। प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माइनस को मैं ले चुका हूँ, अदरवाइज माइनस करनी पड़ती। मैं माइनस को कंसिडर कर दिया ना मैंने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं हटा रहा हूँ जो हमने काम की चीज़ें कर ली हैं, ठीक है ना। अब हटा रहा हूँ मैं वो चीज़ें जो हमने हमें आ चुकी हैं, हमारी हो चुकी है। इस पूरी चीज़ को ही तो आप वो बोल रहे हैं, ध्यान रखना, इसलिए हटाने वाला हूँ इसे। और ध्यान रखना, माइनस को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसलिए सिर्फ इसे प्लस करना है, इस पर माइनस मत करना, इसमें से उसको माइनस करके मत बोलना आंसर। माइनस मैंने ले लिया, कंसिडर कर रखा, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ और इसको जो भी आंसर आएगा इसमें प्लस कर दूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा। देखिए उसे और थोड़ा सा कुछ ज्यादा तो काम रह नहीं गया, वैसे सिर्फ इतना ही काम रह गया कि x प्लस 1 बाई 3 को t मान लो। जैसे इसे t मानोगे dx dt की इक्वल आ जाएगा, देख लेना करके। जैसे ही ऐसा करोगे माइनस 11 बाई 9 वैल्यू लिख देना ऐसे करके, और इंटीग्रेशन dx तो dt होता है आपके अकॉर्डिंग, अपॉन में t स्क्वायर बन गया क्योंकि आपने इसे t बोला था, प्लस रूट 2 बाई 3 का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई, जो कि 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए अपना आंसर देती है। मतलब माइनस 11 बाई 9 तो आ ही रहा है आंसर, इंटीग्रेट करने पर ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म बनी है। आप बोलेंगे 1 अपॉन ए, ए का मतलब रूट 2 बाई 3, ये हो गया ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मतलब 3 बाई ए मतलब रूट 2 बाई 3, और 3 ऊपर जाकर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये आंसर है आपका। टी को वैल्यू प्लेस कर लें, हाँ टी की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, माइनस 11 बाई 9, और वो 9 इसको 3 3 जा कर देगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा, नीचे रूट 2 बच जाएगा, 10 इनवर्स 3 बाई रूट 2 को ऐसे ही रहने देता हूँ, टी की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ जो कि मैंने सपोज की थी एक्स प्लस 1 बाई 3, और प्लस कॉन्स्टेंट। ये रिजल्ट आया, ये हमारा रिजल्ट आ गया इसका, इसको और इसको ऐड कर लेना आराम से क्योंकि माइनस मैंने ले लिया था, आंसर आ चुका है। थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेता हूँ अच्छा सा, माइनस 11 बाई 3 रूट 2 10 इनवर्स, आराम से सोच समझ के देखिए जरा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 रूट 2 हो गया, 3 एक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है ऐसे करके, 3x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, होल अपॉन कितना जाएगा 3, और प्लस करके कॉन्स्टेंट बच जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इसके चांस होने के, फाइनली आपका आंसर आ गया माइनस 11 बाई 3 रूट 2 10 इनवर्स 3x प्लस 1 होल ओवर रूट 2 प्लस कॉन्स्टेंट, उस पूरे का आंसर ही आया। बस जैसा कि मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया था थोड़ी देर पहले कि ये जो भी आएगा, कहाँ गया वो, ये इसमें प्लस कर दूंगा इसको, तो मैं कर रहा हूँ। अब हटा देता हूँ ना इसको, नोट कर ले पहले, आप नोट समझ गए होंगे, आप नोट कर ही होंगे वैसे भी आप, ठीक है। इसे हटा दिया मैंने, देखना ये जो आंसर था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये आंसर जो आएगा उसमें प्लस करूंगा इस रिजल्ट को, तो प्लस करूंगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, इसीलिए आएगा माइनस, कितना आएगा 11 बाई 3 रूट 2 10 इनवर्स 3x प्लस 1 होल ओवर रूट 2 प्लस कॉन्स्टेंट। इस तरह का स्टूडेंट ये आपका आंसर आया, मैच कर लेना इसे, ठीक है ना। हाँ बाकी कॉन्स्टेंट में लगा, ये आपका रिजल्ट है जो भी है, आप नोट कर लें 5/6 इतना कुछ, ठीक है ना, ठीक है। अभी मैंने स्टूडेंट, मैं भी ज़्यादा नहीं करता हूँ, अभी सिर्फ आपको 18 तक ही कराता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ना 19 क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, इसी तरह के सारे क्वेश्चन होते हैं। पहले प्रैक्टिस करें, पूरे एंथुसियास्टिक होकर आना नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए। जब तक ये बातें समझ में नहीं आती, कोशिश करो समझने की कोशिश करो, कुछ ज़्यादा ही अगर मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर आप आओ, मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, तो वहाँ उसे कवर करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है ना, आराम आराम से चीज़ों को समझना। वैसे है नहीं इसमें कुछ, एक प्रोसीजर है लास्ट में जाते हैं, अगर एक बार प्रोसीजर बता दूं तो दो ही टाइप के पैटर्न है 7.4 में। एक तो ऐसे कि ऊपर कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टेंट होगा, नीचे आपका होगा क्वाड्रेटिक, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक को आप ओपन करना आराम आराम से, उसको परफेक्ट स्क्वायर से बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म आएगी, एक्स स्क्वायर जो आएगा उसे टी टू मान लेना और सॉल्व कर लेना, एक तो वो बात। दूसरी बात ये हो सकती है ऊपर लीनियर फंक्शन आ जाएगा। 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन को एक बार इसी पैटर्न से ट्राई करना, वो ए और बी वाले से, आप देखेंगे आपकी ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ रही, और आप देखेंगे कुछ देखेंगे आप ऑब्जर्व करना जो देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।